जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, अपना डे वन स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे। यहाँ से अब होती है हमारी जोधपुर की ट्रिप स्टार्ट। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे द उमेद होटल में। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर आपको देखने घोड़े, बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, यू गाइस विल लव। ग्रीनरी मेनली, शांति दूर से शहर, शहर से दूर, सॉरी ऐसी है। आपको तो पता ही है, अरे वाला ट्रिप में अकेले आए हैं उसके साथ, सो बिना हड्डी के जीव है तो तला जाती है। मेरी गलती थी, मैंने सिखाया था इसको ये। लेट्स गो, अगर आपको दिन अच्छे निकाल लें तो। वेल गाइस, इट्स हर बर्थडे एंड बेटर आई शुड बी क्वाइट। पिन ड्रॉप साइलेंस माय साइड। ब्रेकफास्ट कर लिया है साउथ इंडियन विद राजस्थानी तड़का। अब हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। ट्राई कीजिएगा कि आप टू व्हीलर ही ले, फोर व्हीलर भी ले सकते हैं, बट गलियां बहुत भीड़ी भीड़ी है तो इजी रहता है। उस तरीके ये देखिए ब्लू सिटी, बट ऐसा कुछ ब्लू है नहीं इसमें, सिंपल ब्लू शेड्स है। बिल्कुल हाइट से ऐसा लग रहा है ब्लू है, बट घर नॉर्मली बने हुए हैं, ऊपर से शेड ब्लू डाले। अगर ये ब्लू सिटी है तो पता ही नहीं क्यों जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल टॉप पर। ये आ गई है पार्किंग, बाइक स्कूटी जो है हम पार्क करते हैं। वो देख जहाज जा रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, कहाँ दिख रहा है जहाज? अरे अंधी दिख नहीं रहा क्या, ये ऊंट जान लग रहा, राजस्थान का जहाज बोलते हैं इसको। मुझे लगा तेरी आंखें कमजोर होगी। ओहो, सारे तना अपने जी से ला लिए। स्कूटी पार्क कर दी है, पार्किंग चार्जेस 10 रुपए है। फोर्ट में एंट्री से पहले चेकिंग होती है, चेकिंग में ये चेक कर दे कि आपके पास सेल्फी स्टिक, गोप्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ना हो, क्योंकि ये अंदर ले जाना बैन है। फोन कैसे लेगी? ठीक है, तो इसकी बातों में मत आओ, जो भी चीजें सेल्फी स्टिक की तरह ट्रीट की जाती हैं वो सब चीजें अंदर ले जाना मना है। फिलहाल प्रिया जा रही है टिकट काउंटर पे टिकट लेने, जो इंडियंस की टिकट है पर्टिकुलरली 100 रुपीज है, और स्टूडेंट्स के लिए वो हाफ हो जाती है। तो अगर हम लोग प्रेफर कर रहे हैं लिफ्ट से ऊपर जाना, लिफ्ट की टिकट है 50 रुपए। फोर्ट घूमने के दो ऑप्शन है, या तो आप पैदल ही ऊपर चढ़िए और घूमते घूमते नीचे उतर जाइए, या फिर आप लिफ्ट से जाइए। लिफ्ट में आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और नीचे उतरते उतरते आप पूरा फोर्ट देख लेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उन्होंने राव जोधा ने बनाया था, जिनके नाम पर जोधपुर सिटी का नाम रखा। मेहरानगढ़ फोर्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट थिंग इज कि टेम्परेचर ओके है, हवा चल रही है, ठंडी है तो गर्मी नहीं लग रही है, बट बेस्ट टाइम बोलते भी अक्टूबर से मार्च है, अभी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिफ्ट के लिए जा सकते हैं, सो हमने लिफ्ट का ऑप्शन चूज किया तो हम लिफ्ट से जा रहे हैं। अदरवाइज आपको पैदल जाना है तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, लिफ्ट आपको डायरेक्ट टॉप पे छोड़ देगा। फोर्ट के एकदम टॉप पर हम पहुंच गए हैं, बाय लिफ्ट आए हैं। अगर आप पैदल भी आते तो 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं, दैट्स इट। बट हम इतने हेल्दी नहीं है ना यार, मोटे होते जा रहे हैं तो हमसे चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमने लिफ्ट प्रेफर की। अगर आप यहाँ पर दिन में घूमने आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ हैट या अम्ब्रेला ज़रूर रखें, क्योंकि टैनिंग हो जाती है। और इस फोर्ट का वैसे कहते हैं असली नाम मिहिरगढ़ फोर्ट था, बट बोलते बोलते ये मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया है। यहाँ से आपको सिटी का पूरा व्यू दिखता है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल टॉप से। ये जो फोर्ट की चार बाउंड्रीज है, मतलब चारों तरफ की बाउंड्रीज हैं, और पहले मतलब कहा जाता था कि इसी में पूरा स्टेट बसता था, बट ये धीरे धीरे पॉपुलेशन की वजह से फैलता गया बाहर की साइड। वाव, गजब का व्यू है, गजब का, मतलब अल्टीमेट इतनी ऊँचाई से। ये शायद आपको छोटा सा दिख रहा होगा, जसवंत ठाडा है ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। जो उम्मीद भवन में अभी भी जो राजा महाराजाओं की जो पीढ़ियां रह रही है जनरेशन, उनकी मीटिंग्स आज भी यहाँ होती है, बट कोविड की वजह से इसे बंद किया गया है। मेहरानगढ़ फोर्ट का आर्किटेक्चर है जो बहुत ही शानदार बना हुआ है, ये पूरा का पूरा महल पहाड़ को काट कर बनाया गया, तो इसका जो स्टोन है वो रेड स्टोन इन्होंने यूज़ किया, जो जोधपुर का काफ़ी फेमस स्टोन है। तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं अपनी महारानी के पीछे पीछे झांकी महल देखने।
तो जिस रूम में हम एंट्री कर रहे हैं इसे पालकी खाना बोला जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पालकी रखी गई हैं और इन पालकियों को जो पहले हमारी रानियाँ होती थी या रॉयल घराने की लेडीज होती थी वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती थी। तो ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था अगर हम बात करें 20th century की। ये देखिए सारी डिफरेंट डिफरेंट पालकीज है और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूम में, देखते हैं वो उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है। ये इनके ऑफिस में घुस गया, कैसा लग रहा है बेइज्जती करा के? कब रहती हैं? फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फोर्ट म्यूजियम में। म्यूजियम बहुत ही शानदार बना हुआ है। अभी तक हमें गाइड की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं है कि हमें गाइड लेना चाहिए था। इट इज़ अ गुड डिसीजन कि हमने गाइड नहीं लिया। तो ये म्यूजियम बेसिकली 4 फ्लोर में बना हुआ है, टोटल 4 फ्लोर में। यहाँ पे फूल महल, मोती महल, शीश महल, सिलेख खाना और दौलत खाना है। तो हम लोग अभी वहीं घूमने जा रहे हैं, सिक्वेंस में चल रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको गाइड लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बट ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फूल महल, अगर आप इसकी छत देखेंगे तो सोने से बनी हुई है और कहा जाता है ये सोना लूटा गया था एक जंग में अहमदाबाद से। रिक्वेस्ट प्लीज। यस। फोटो बढ़ा दो। यहाँ फोर्ट खत्म होता है। फोर्ट बहुत ही सुंदर था, हमें बहुत ही मजा आया। पानी वगैरह की साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल का हर चीज की काफी सुविधा थी और हर चीज अच्छे से मैनेज थी। और इस फोर्ट में 7 दरवाजे हैं, अलग अलग नाम है जैसे कि फतेह गेट हो गया, गोपाल गेट और लोहा गेट। जिस गेट से हम निकलने वाले हैं इसे कहते हैं जयपोल।
ये महाराजा मान सिंह ने बनवाया था जब उन्होंने जंग जीती थी किसके खिलाफ था शायद महाराजा जगत सिंह जो जयपुर के राजा थे। जोधपुर में एडवेंचर सुनने में थोड़ा अपोजिट जरूर लगता है बट यस यू गाइस कैन डू द जिप लाइन इन द जोधपुर एज वेल। एक्चुअली जोधपुर जो मेहरानगढ़ फोर्ट है इसके चारों तरफ एक किलोमीटर की रेंज में देर इज अ ग्रुप फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन करके ये लोग आपको जिप लाइन करवाते हैं। इसके आसपास आप जो भी पंचायतिया हिल है या फिर ब्लू सिटी है या फिर आप बोल सकते हो रानीसर लेक है आप उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हो। बट एक चीज़ का याद रखिएगा कि अगर आप धूप में कर रहे हो तो यार आप वो जो सनबर्न होगा दैट इज रियली बैड। तो यहाँ हमारी जर्नी खत्म होती है मेहरानगढ़ फोर्ट की। पार्किंग से मेहरानगढ़ फोर्ट 5 से 10 मिनट की दूरी पर है, देखने में पास लग रहा है लेकिन 5-10 मिनट लग गए, हमें 15 लग गए क्योंकि हम मोटे हो रहे हैं और हाँफते हाँफते पहुंच गए हैं। अभी भी इतना स्पेस खाली है यार, बर्थडे गिफ्ट तो बनता है यार, एक फोर्ट ही बना दे इधर। लगता है कल के अपने शब्द भूल गए जब तू बोल रही थी बर्थडे गिफ्ट में तो मुझे सिर्फ घूमना है, गिफ्ट नहीं चाहिए।